इंडियन आइडल सीजन 12 और इंडियन आइडल सीजन 12 की कंट्रोवर्सीज भाई थंबनेल का नाम नहीं ले रही। अभिजीत सावंत जो कि इंडियन आइडल 1 के विजेता थे उन्होंने कहा कि भैया आजकल तो ऐसा हो गया है कि लव स्टोरी और गरीबी इस पर ज्यादा दिखाया जाता है, सिंगर्स की असली टैलेंट को पहचाना नहीं जाता। हमारे टाइम पे अगर कोई चलते चलते बीच गाने में रुक जाता तो ऐसे रिएक्शन नहीं आता था, अभी तो ऐसे रिएक्शन दिखाते हैं जैसे कि क्या हो गया। लेकिन दोस्तों वहीं इंडियन आइडल सीजन 5 के मेंग चैंग की अगर बात करें, मियांग चैंग, तो मियांग चैंग ने अपनी कुछ बातें रखी हैं और वो कहना चाहते हैं कि भाई इतना ड्रामा तो चलता है। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मियांग चैंग की कि आखिरकार वो क्या कहते हैं इंडियन आइडल सीजन 12 की कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर। सीजन 12 पहले कोरोना के चलते कॉन्ट्रोवर्सी में रहा, फिर उसके बाद दोस्तों अमित कुमार साहब अलग ही बात भलती सी बोल के चले गए, किशोर कुमार जी के बेटे। फिर उसके बाद दोस्तों आदित्य नारायण ने उनको बिफ्टिंग रिप्लाई दिया। फिर उसके बाद पवनदीप के पिताजी कहते हैं कि अरे इसको तो कोरोना ही नहीं हुआ था। प्लस पवनदीप और औरोनिता की ये जो जोड़ी है वो खुद आदित्य नारायण कहते हैं कि वो फेक है, फर्जी है। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो सीजन 5 में आए मियांग चैंग कहते हैं, मैंने सुना है कि ये सीजन के सिंगर्स बहुत ट्रेंड है, ये सिंगर्स बहुत दमदार हैं। शुरुआती 3 सीजन में तो ऐसा नहीं था, एक सिंगर परफेक्ट है तो दूसरा मेरे जैसा अनट्रेंड होता था। मैंने यही सुना है कि इस सीजन के सिंगर्स पूरे ट्रेंड हैं। रियलिटी शो में थोड़ा सा ड्रामा तो चलता ही है। हमारे सीजन में सब सिंपल था क्योंकि हम में से कोई भी ग्लैमर की दुनिया से नहीं था, सोशल मीडिया पर भी ऐसा एक्सपोजर नहीं था। उस दौर में तो बहुत ही मासूमियत और सफाई के साथ काम किया जाता था। मियांग चैंग ये भी कहते हैं दोस्तों कि हमारे सीजन में जो है अलग बात थी, और जब से मैंने अलग मतलब शो होस्टिंग और ये सब करना शुरू किया है तो मैंने इंडियन आइडल की टीम से मेरा कोई भी अभी रिश्ता नहीं, मतलब कोई भी बातचीत भी नहीं है। वेल, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।